हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग एक्ने ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आज से हम ऐसे ड्रग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जो कि आपकी जीआईटी या जीआईडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी कॉज करे और उस एबनॉर्मलिटी की वजह से आपके लाइफस्टाइल में, आपके नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ में कोई ना कोई अल्टरेशन डिफिकल्टीज आ जाए, तो ऐसे ही ड्रग जो इनको रिमूव करें और वापस से आपकी लाइफ को नॉर्मल रूटीन लाइफ में रिस्टोर करने का काम करें, ऐसे ही ड्रग को हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो अब ये भी कॉमन सी बात है कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी हमको, फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो इस जीआईटी के अंदर आएंगे, तो इसको कहीं से भी रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब से लेकर के जब आप वापस से बेड पे सोने जाते हैं, इनके बीच में जब कभी भी कोई आपको पेट से संबंधित दिक्कत हो, तो ये मान के चलिए कि आप उस टॉपिक को आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे आप हाउस होल्ड चीजें यूज करते हो या कोई ओटीसी मेडिसिन यूज करते हो या अगर कंडीशन थोड़ा सीवियर हो जाए तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन को यूज करते हैं, तो यही सब तो आपके जीआईटी पे काम करेंगे। इनके अंदर हमको मुख्य रूप से पढ़ना है आपके पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ना है, जिसको आज से हम शुरू करेंगे। इसके बाद आपके डाइजेस्टेंट होंगे जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, एपेटाइजर होंगे, एपेटाइट सप्रेसेंट होंगे, वोमिटिंग कॉज कराने वाले और वोमिटिंग को इनहिबिट करने वाले होंगे। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं जीआईटी का, वो आपका या तो लूज मोशन होगा या तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। तो लूज मोशन को ठीक करने वाले ड्रग कौन से होंगे और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले ड्रग कौन से होंगे, इन सब के बारे में हमको इसी मॉड्यूल में आने टाइम में पढ़ना है। पर आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग वह है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स और उसके अंदर स्पेसिफिकली पेप्टिक अल्सर। तो आइए सबसे पहले पेप्टिक अल्सर का मतलब जान लेते हैं। आप मेरे हाथों में कुछ ग्लव्स देख रहे होंगे, ये ग्लव्स आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी जरूर मदद करेगा। तो सबसे पहले हम अगर एक बार में एक लाइन में समझें कि अल्सर क्या होता है, तो अल्सर का मतलब होता है ऐसा एनाटॉमिकल चेंजेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अगर यहां पे सिर्फ अल्सर की मतलब बात करें, पेप्टिक को थोड़ी देख लें, स्किप कर दें, तो उसका मतलब होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में सोर हो जाना, पेनफुल एरोजन, थोड़ा कटाव, थोड़ा छिलाव, इस तरह की फीलिंग्स हो जाना, ये अल्सर कहलाता है। अगर मैं बात करूं माउथ अल्सर की, जो कि इस टॉपिक का नहीं है लेकिन इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो जब कभी भी आप मुंह में छाले को फील करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका पेन कैसा होता होगा। आपके चिक्स के बिलो में, आपके लिप्स के बिलो में कभी कभी छाले हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, जो आपको कुछ खाने पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। इनको ठीक करने के लिए आप कई सारे मेडिसिन यूज करते हैं, विटामिन B12 के कैप्सूल्स लेते हैं, आपके घरेलू नुस्खे कोई शहद लगाते हैं, कोई आपकी कत्था वगैरह यूज करते हैं, ऐसे कई सारे मास्किंग एजेंट यहां पर लगाते हैं ताकि कम से कम दर्द हो सके। और इन सबको ठीक करने में अगर आपका दवाई काम नहीं करता, तो फॉर शॉर्ट टर्म बीइंग आप जब खाना खाना चाहते हैं तो लोकल एसेटिक का जो ट्यूब का ऑइंटमेंट आते हैं, इनको हम वहां पे अप्लाई करते हैं और थोड़ी देर बाद उसको वॉश आउट करने के बाद हम खाना खाते हैं, जो कि आपके पेन को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करने का काम करता है, एज ए लोकल एसेटिक काम करने का तरीका उनका होता है। तो ये सब चीजें माउथ अल्सर से है। थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर आपको ये थोड़ा सा बोर लग रहा होगा बट ये जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये अल्सर जब आपके माउथ में है, जहां पे आप अपने उंगलियों को पहुंचा सकते हैं, आप डायरेक्टली वहां पे कोई मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बावजूद ये आपके लिए काफी पेनफुल होता है। तो जस्ट इमेजिन कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, चाहे आपका ईसोफेगस हो, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे आपका ड्यूडिनम हो, इनमें अगर इस तरह के छिलाव कटाव हो तो, और उसके साथ साथ अगर एसिड का सीक्रेशन होता रहे और ये एसिड इन छिले हुए पार्ट तक पहुंचते रहे, तब के केस की पेन को अगर आप फील करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी कटे हुए हिस्से पे, किसी छिले हुए बॉडी के स्किन पे आप नमक, नींबू, मिर्च लगा दें तो कैसा फील होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ये बात हो गई उसको फील कराने की। अगर मैं बात करूं पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर कहने का मतलब होता है वो बॉडी का सोर, वो बॉडी का इरोजन या छिलाव जो कि आपकी जीआईटी के पार्ट पे अवेलेबल होगा, चाहे वो आपका ड्यूओडेनम हो, चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे तो आपका फिर वो ड्यूओडेनम पार्ट हो, ईसोफेगस हो, इनमें अगर अल्सर देखने को मिलते हैं तो हम उनको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब पेप्टिक अल्सर क्या हुआ, जैसा मैंने कहा इट इज अ सोर ऑफ इसोफेगल स्टमक और इंटेस्टाइन, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, ये अल्सर कहलाते हैं। दूसरा, अगर मैं इनकी इटियोलॉजी के बारे में बात करूं, तो केरी त्रिपाठी या काफी सारे बुक में एक लाइन में तो जरूर क्लियर कहा गया है कि इसकी इटियोलॉजी के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट जो एज्यूम करते हैं, जो एजम्पशन करते हैं कि क्या ऐसा कारण होगा, तो वो कारण बहुत ही सही शॉर्ट फिट बैठता है इस केस में, वो है इट इज इंबैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट,
एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर ऐसे हैं जीआईटी के रेस्पेक्टिवली जो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, यानी कि जिनका काम होता है ब्रेक डाउन करना, थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करना, लेकिन ये हार्मफुल इफेक्ट हमेशा हार्मफुल नहीं होगा जब तक ये ऑप्टिमम मात्रा में होगा, जब तक ये अंडर कंट्रोल में होगा। और इनका जो मेन काम है वो है आपके फूड प्रोडक्ट को ब्रेक करना, उनको तोड़ना, ताकि वह इजिली डाइजेस्ट हो जाने लायक बन सके। तो आपके लिए तो ये बेनिफिट वाले ही है जब तक इनका काम उनके अकॉर्डिंगली हो रहा हो, एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम लेवल तक हो रहा हो, ये आपके एग्रेसिव या अटैकिंग फैक्टर कहलाते हैं। अब आपकी ही बॉडी ने आपके ही प्रोडक्शन के लिए इन सब चीजों के अलावा एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर्स, ऐसे मैकेनिज्म आपकी बॉडी के, आपके जीआईटी के पार्ट जैसे कि म्यूकोसा, म्यूकस का जो बना हुआ होता है, वो आपको इन एग्रेसिव या अटैकिंग फैक्टर से अपने आप को बचाने में आपकी मदद करता है। तो ये हो गया अटैकिंग फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर, मैं इसको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर एक बार हम लोग बात करके देखें कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम या फिर और सब्सटेंस हैं जिनको हमने एग्रेसिव या अटैकिंग फैक्टर के अंदर रखा हुआ है, तो ये है एसिड। एसिड के साथ आपका इंपॉर्टेंट पेप्सिन, बाइल, एच पाइलोरिक और कुछ और जानकारी। एच पाइलोरिक के बारे में थोड़ी ही देर में देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं एसिड की। तो एसिड कहने का मतलब है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस से है जो कि हमारी बॉडी एक फ्रीक्वेंट अमाउंट में 2.5 लीटर पर डे के अकॉर्डिंगली सिक्रीट करती रहती है। ये जो HCl है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके फूड के डाइजेशन में। तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली अलग अलग जो फेज होते हैं आपके सिफेलिक, एंड्रिक और उसके टर्मिनेशन फेज, इनके अकॉर्डिंगली फूड के देखने से वेगस नर्व के थ्रू फूड को मुंह में रखने की वजह से, और ये जब फूड इंजेस्ट होकर आपके स्टमक तक पहुंचता है तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली सही मात्रा में HCl का सिक्रीशन होता रहता है। तो ये जो सिक्रीशन है HCl का, ये अटैक करता है, एग्रेसिवनेस दिखाता है आपके फूड पे, आप पे नहीं। जब आपका फूड सही मात्रा में है और फूड के ऑप्टिमम मात्रा में HCl है तो उनको आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी कारण से आपका जो एग्रेसिव फैक्टर यानी कि एसिड है वो ज्यादा बनने लगे, तब जो एक्सेस मात्रा में एसिड होगा वो आपके स्मूथ मसल्स ऑफ योर इंटेस्टाइनल पार्ट इनको रप्चर करना स्टार्ट करेगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ अल्सर, स्पेसिफिकली आइदर पेप्टिक अल्सर और ड्यूओडेनल अल्सर। दूसरा है आपका पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में आप जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम and it is also considered as a proteolytic enzyme. What is the meaning of proteolytic enzyme? A word proteolytic is made up of two words, a protein and lytic. It means an enzyme which is used to break the protein, which is used to lysis the protein so that it further small molecule can be converted. और हम उसके जो small molecule part होगा, amino acid वगैरह होंगे, इनको अच्छे से use कर पाएं, protein को break करेगा, हम उसको use कर पाएंगे। ये भी एक aggressive nature के अंदर आते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं अगर इनका जो level of secretion है वो थोड़ा ज्यादा हुआ तो। उसके बाद आपका बाइल है, तो यू नो इट वेरी वेल कि बाइल का जो काम है वो आपके फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका भी अगर ऑप्टिमम लेवल से क्रॉस होता है, ये थोड़ा ज्यादा लेवल में बनते हैं, तो आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जानकारी पे, वो है हमारा एच पाइलोरिक, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में 2005 में वेरेन और बेरिंग नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी को कंफर्मेशन कंक्लूड किया था। इनके पहले एक और साइंटिस्ट ने इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड की थी, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन था 2005 में इन दो साइंटिस्ट ने ही प्रूव की। उनका ये मत था कि हमारे बॉडी में कुछ मात्रा में एच पाइलोरिक पाए जाते हैं जो अगर एग्रेसिव हो जाए किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन में तो वो आपके पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल है वाया डिफरेंट मैकेनिज्म। ये कौन कौन से मैकेनिज्म है ये तब हम जानेंगे जब हम एच पाइलोरिक के अगेंस्ट में जब ड्रग यूज करेंगे, उस केस में आपको मैकेनिज्म के बारे में और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एच पाइलोरिक भी एक इंपॉर्टेंट काम था। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं डिफेंसिव फैक्टर की, तो देखिए अटैकिंग को हमने रेड कलर से डिनोट किया है और डिफेंसिव को हमने ग्रीन कलर से डिफाइन किया है ताकि वो आपको समझ में आए कि ग्रीन आपके लिए बेनिफिशियल है इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड रेड इज अ प्रॉब्लमेटिक कॉज फॉर दिस काइंड ऑफ पेप्टिक अल्सर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है डिफेंसिव के, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा एक लेयर है जो कि हमारे गैस्ट्रिक पार्ट में पाए जाते हैं जिनका जो काफी कंपोजिशन की अगर बात करूं तो म्यूकस होते हैं। इनका काम की मैं बात करूं तो वो डिफेंस का काम करते हैं, और इसी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को मिमिक करने के लिए आपके सामने आज मैंने ग्लव्स को वियर किया हुआ है। अगर मैं अपने हाथों को, ये जो खुली हाथ है ये अगर आपका जीआईटी मानूं तो ये जीआईटी के ऊपर जो एक लेयर बन के दिख रहा है आपको वो है हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और यहां पे आपके सामने ये ग्लव्स के फॉर्म में है।
इसको मैं डेमो करूंगा, बस दो तीन फैक्टर को और देख लेते हैं। दूसरा है आपका बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो कि बाय नेचर बेस है जिसको आप जानते हैं, तो जब कभी भी एसिड अटैक ज्यादा होगा, ज्यादा एसिड का सिक्रेशन होगा, तो हमको कोई ऐसा केमिकल चाहिए होगी जो बॉडी को ही बना रहा हो, बॉडी के ही कारण से बन रहा हो और बॉडी को ही प्रिवेंट कर रहा हो, वो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट होगा जो कि इस एसिड की एक्सेस मात्रा को न्यूट्रल करेगा बाय देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन के खास करके जो एनालॉग है PGE2 एंड PGI2 वो आपको मदद करेंगे, इनके एनालॉग मदद करेंगे एक म्यूकस के लेयर को फॉर्म करने में। उसके बाद अगला है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी प्रिवेंट करता है इस तरह के इरोजन, इस तरह के सोर्स से आपकी जीआईटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। चलिए अब इस पे फोकस करते हैं जो कि एक बेस है आपको पेप्टिक अल्सर समझने में। ये मेरे जो हाथ हैं वो है आपका जीआईटी का कंटेंट, जीआईटी का पार्ट। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी एक लेयर बनाती है जिसको हम बोलते हैं आपका म्यूकस, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ये आपके जितने भी अटैकिंग फैक्टर हैं वो अगर एक सही मात्रा में सिक्रेट हो रहे होंगे तो उससे आपके जो पार्ट ऑफ जीआईटी हैं इनको प्रिवेंट करेगा। सपोज थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये जो इंक है इस व्हाइट बोर्ड मार्कर का रेड कलर का इंक, ये HCl है या तो पेप्सिन है या तो फिर बाइल है या कोई और अदर केमिकल्स है, इट इज नॉट येट एच पाइलोरिक, ये नहीं है, ये केमिकल्स की मैं बात करता हूं। तो ये केमिकल जब हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में नहीं होते हैं, नॉर्मल मात्रा में होते हैं, तो ये सीक्रेट होते रहते हैं और जो भी डाइजेशन के लिए जरूरी है वो फैक्टर आपकी बॉडी में यूज होते रहते हैं, डाइजेस्ट होते रहते हैं। जो एक्सेस मात्रा में होगा इनसे आपके अब म्यूकस मेम्ब्रेन की सहायता से आपके अलग अलग जीआईटी के पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पे मैंने कई सारे एसिड के अटैक्स को डिनोट करने की कोशिश की है इस मास्क के थ्रू। अब अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर है तो ये जो एसिड का अटैक है वो मेरे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को के थ्रू आगे नहीं जा पाएगा और आपके जो गैस्ट्रिक पार्ट है, स्मूथ मसल है, इनको प्रिवेंट करके रखेगा। ये देखिए अभी तक यहां पे कोई भी जो मार्क है वो आपके ग्लव्स के अंदर यानी कि आपके जो जीआईटी के पार्ट है यहां तक नहीं गया है, इस तरह से कहीं आप भी आपको डैमेज नहीं किया है। अब अगर ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा किसी कारण से फैल हो जाता है, इसमें जो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, ये जो म्यूकोसा है वो कभी किसी कारण से फैल हो जाते हैं या इनकी मात्रा कम बनने लगती है, ये धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं क्योंकि एक प्रॉपर 1 mm थिकनेस के होते हैं लगभग ये, तो ये कम होने लगे या एसिड का जो अटैक है वो अब बहुत ज्यादा शार्प होने लगे या किसी और अननोन या नोन रीजन की वजह से ये डार्क होने लगे, एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने लगे, तो ये जो एसिड है वो आपके इस लेयर को इस तरीके से रप्चर करना शुरू करेंगे। दिस इज इरोजन एंड इसको आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये अल्सर जैसी एक्टिविटी को दिखाने का काम कर रहा है। अब अगर ऐसा अल्सर होता है जो आप देख सकते हैं और वापस से जब एसिड का अटैक आएगा तो अब आपका जो जीआईटी का म्यूकस मेम्ब्रेन है ये आपको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा और ये फिर आपको डैमेज करना शुरू करेंगे। और आप यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो अटैक था एसिड का वो अब आपके इस पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर चुका है। तो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके एसिड के अटैक से आपको प्रिवेंट कर रहा है, हमारा जो एग्रेसिव नेचर है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल निभा रहे हैं। तो अब ये दोनों जब तक बैलेंस हो, अटैकिंग फैक्टर को न्यूट्रल करने के लिए डिफेंसिव फैक्टर, डिफेंसिव फैक्टर अटैकिंग फैक्टर को न्यूट्रल कर रहा है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कभी भी आपका जो एग्रेसिव फैक्टर है वो डिफेंसिव फैक्टर को बाईपास कर देगा, उससे ज्यादा ओवर पावरफुल हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ अल्सर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की। अकॉर्डिंग टू सतोस्कर बुक, फार्माकोलॉजी की जो सतोस्कर बुक है उनके अकॉर्डिंगली हम पेप्टिक अल्सर को 3 या 4 मेन टाइप में या फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनके 2 फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्म इंड्यूस्ड वाले हैं। तो पहला है ड्यूओडिनल, ये जो आपका ड्यूओडिनल अल्सर है ये एक पार्ट है जहां पे आपके स्टमक के बाद का जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये कहलाता है ड्यूओडिनल। तो इस ड्यूओडिनल पार्ट में ये देखिए अगर अल्सर होता है तो दिस इज कॉल्ड ड्यूओडिनल अल्सर। दूसरा है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि अगर आपके स्टमक में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, अल्सर छाले जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, ये अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका गैस्ट्रिक अल्सर। तीसरा और चौथा एक इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका कारण कोई बैक्टीरिया नहीं है, इनका कारण हम खुद हैं। इनका मतलब क्या हुआ, तीसरा जो फैक्टर देख रहे हैं आप स्ट्रेस, ये भी कई सारे रिसर्च में कई सारे चीजों में ये कंक्लूड होकर के आया है कि स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी होते हैं, यानी कि अगर आप अनयूजुअल तरीके से किसी भी चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, तो ये आपके एसिड के सिक्रेशन को कई फोल्ड मैनिपुलेट करके बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेस लेना भी एसिड
के ओवर सिक्रीशन का कारण है, जो कि आगे जाकर के अटैकिंग या एग्रेसिव फैक्टर के ओवर प्रोडक्शन के कारण बनेंगे और उनको बैलेंस करने के लिए हमारे डिफेंसिव सिस्टम उतने सफिशिएंट काम नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ अल्सर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर। इनके बारे में किसी और दिन डिस्कस करते हैं क्योंकि इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर टॉपिक्स। उसके बाद है NSAID इंड्यूस, ये आपने NSAID केस में भी देखा हुआ है। Non-steroidal anti-inflammatory drug जो कि हमारे लिए inflammation, antipyretic और penalgesic का काम करने का काम करते हैं, इनके अलग अलग classification हैं। पहला होता है non-selective COX inhibitor, यानी कि ये COX 1 को भी affect करेंगे, COX 2 को भी affect कर सकते हैं। दूसरा होता है preferential COX 2 inhibitor, यानी कि ये कोशिश करेंगे कि COX 2 को affect करें, COX 1 को छेड़छाड़ ना करें। और तीसरा होता है selective COX 2 inhibitor, यानी कि केवल perfectly तरीके से COX 2 को ही affect करेंगे। यहाँ पे जो पहला classification है ये culprit है, इस पे ही ध्यान दीजिए। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर ये 1 को भी अफेक्ट करेगा, 2 को भी करेगा। 2 को किया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन का ठीक हो जाएगा, 1 को करेगा तो दिक्कत है, क्योंकि हमने एनएसएआईडी केस में आपको डिटेल से समझाया था कि जो कॉक्स 1 है वो आपकी बॉडी का हाउसकीपिंग है, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी में बाइकार्बन के सिक्रीशन, आपके इस म्यूकस मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को फैसिलिटेट मदद करता है। तो अगर मैं इसी कॉक्स 1 को, जो कि आपके लिए बाइकार्बोनेट और म्यूकोसल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करेगा, उसी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो कौन बचाएगा आपकी बॉडी को एसिड के ओवर अटैक से? यही है मेन कारण एनएसएआईडी की वजह से जो अल्सर, खास करके पेप्टिक अल्सर बनते हैं, उनका लॉजिक। अगर और डिटेल्स जानना है तो प्लीज विजिट एनएसएआईडी टॉपिक बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। आगे बढ़ते हैं, ड्यूओडेनल अल्सर की क्या फिजियोलॉजी है, किसका ज्यादा होना, किसका कम होना इसका रिस्पॉन्सिबल है? तो जो ड्यूओडेनल अल्सर है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए एसिड सिक्रीशन इज हाई। यहां पे एसिड यानी कि अग्रेसिव फैक्टर का रोल ज्यादा दिख रहा है आपको, एसिड इज हाई। दो चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपको आसानी से समझ में आ सके। एसिड ज्यादा होगा और खास करके ऐसे पेशेंट में, पॉपुलेशन में, 50% पॉपुलेशन में, कुछ लोगों में ये फैक्टर काम कर सकता है और कुछ लोगों में ये फैक्टर काम नहीं करेगा। ओवरऑल देखें तो इस ड्यूओडेनल अल्सर में एसिड का लेवल ज्यादा होगा और उसमें आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। तो अटैकिंग ज्यादा हो रहा है, डिफेंसिव एज इट इज है, तो डेफिनेटली डिफेंसिव तो थोड़ा सा हार ही जाएगा और उसकी वजह से अल्सर तो हो सकता है। दूसरा जो है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, इसकी इटियोलॉजी की बात करूं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जरूरी नहीं है कि जो एसिड का सिक्रेशन है वो ज्यादा हो, ये नॉर्मल भी हो सकता है और यूं उल्टा भी अगर हो सकता है तो वो कम भी हो सकता है, ज्यादा तो है ही नहीं जैसे पहले वाले में था। लेकिन इस तरह के जो अल्सर है उसकी मेन कारण की अगर बात करें तो जो आपका डिफेंसिव फैक्टर है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपकी बाइकार्बोनेट और गैस्ट्रिक ब्लड का फ्लो, ये कम हो जाएंगे तो वो अल्सर हो सकता है। और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केस ये बुजुर्गों में 50 एज के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो ड्यूओडेनम अल्सर है वो किसी भी यंग मेल को देखने को मिल सकता है, फीमेल को भी मिल सकता है, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल के ऊपर ये ज्यादा असर करता है। तो ये कुछ दो टाइप हो गए। आगे मैं बात करूं एक जनरल नॉलेज की, तो जो हमारा स्टमक है वो अबाउट 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड या HCl को सिक्रीट करता है पर डे। ये सिक्रीट कहां से करेंगे, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका चौथा वाला पॉइंट 2.5 लीटर, और ये सिक्रीट होते हैं आपके पराइटल सेल से। दो चीजें याद रखिएगा, HCl का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर पर डे इन एडल्ट है और ये सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से हैं, ये है हमारे पराइटल सेल। आगे बात करते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसके प्रोसेस देखना है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन किन किन रेगुलेशन से, किस किस फेज से होता है। तो पहला फेज है आपका वेगस पाथवे, जिसको हम बोल सकते हैं एसिटाइलकोलाइन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेगस पाथवे जो कि एक नर्व है जो कि आपके पूरे जो ब्रेन तक कन्वर्ट करते हैं मैसेज को, फूड के डाइजेशन या इससे रिलेटेड चीजों को, तो ये आपके वेगस पाथवे हैं जो एसिड के सिक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके GIT में जैसे ही फूड के कंटेंट जाते हैं तो ये आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि देयर इज अ फूड प्रेजेंट इन स्टमक नाउ, तो देन यू हैव टू स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस HCl सो दैट द फूड मे गेट डाइजेस्टेड। ये जो सिग्नल है वो वेगस नर्व के थ्रू हम तक पहुंचता है और एसिड का जो सिक्रीशन है वो वहीं पर स्टार्ट होना शुरू होता है। दूसरा है हमारा गैस्ट्रिन पाथवे, गैस्ट्रिन पाथवे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पाथवे हैं, ये फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो आप देख रहे हैं HCl एसिटाइलकोलाइन, ये भी फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड के सिक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी देते हैं जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करेंगे, एसिड के सिक्रीशन को स्टार्ट करेंगे। वैसे ये लोकल हिस्टामिनिक इफेक्ट या लोकल हिस्टामिन रिलीज
हिस्टामिन के बारे में भी आपने पढ़ा है ऑटोकॉइड्स के अंदर, तो लोकल हिस्टामिन अगर रिलीज होता है और ये हिस्टामिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं तो ये एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये तीन जो मेन पाथवे हैं वो कहीं ना कहीं से एसिड के सिक्रेशन को स्टार्टअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे आने वाले समय में इनका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ये रेस्पेक्टिवली अपने अपने पाथवे पे अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं आपके एच प्लस के प्लस एटीपेज यानी कि इसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं प्रोटोन पंप, इनको एक्टिवेट करते हैं और एच प्लस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। कुछ पॉइंट्स को मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, बाकी के पॉइंट्स आप डायग्राम के थ्रू आने वाले पार्ट्स में जरूर देख पाएंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ, ये जो तीन पाथवे हैं उनके बाद दे एक्टिवेट, ये जो तीन पाथवे हैं रेस्पेक्टिवली अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड होकर के एक्टिवेट करते हैं एच प्लस के प्लस एटीपेज, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नाम से जानते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, वह है प्रोटोन पंप। तो ये प्रोटोन पंप को एक्टिवेट करते हैं ऑन किस पे, ये आपके पैराइटल सेल पे इसको एक्टिवेट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोन पंप दैट विल रिजल्ट इनटू सिक्रीशन ऑफ एच प्लस आयन इनटू गैस्ट्रिक ल्यूमेन। अब ये H प्लस आयन के सिक्रेशन को स्टार्ट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। फिर ये गैस्ट्रिक ल्यूमेन वेयर इट कंबाइंस विद द क्लोराइड आयन्स, देखिए दोनों आयन्स हैं, आगे जाकर के ये H प्लस जो बना हुआ होगा, प्लस पे ध्यान दें और माइनस पे ध्यान दें, तो ये जो H प्लस है वो आगे जाकर के क्लोराइड से बाइंड होगा। ये क्लोराइड हमको मिला कहां से, ये हमको मिला है, इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है, विड्रॉ किया है प्लाज्मा से, तो आगे जाकर के क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Sl एंड दैट इज अ गैस्ट्रिक जूस, जो कि आपके एग्रेसिव फैक्टर के अंदर आते हैं। ये सीधा सा इक्वेशन है, H प्लस के साथ ये क्लोराइड माइनस जुड़ गया तो आपका Sl बन गया, इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, यू नो इट वेरी वेल। तो ये हमारा Sl का प्रोडक्शन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की अगर मैं बात करूं, कॉजेस की बात करूं, तो बेसिकली कॉजेस तो कई सारे हैं, उनमें रिस्क फैक्टर भी साथ साथ मिल करके काम करते हैं, तो एज पर द डिफरेंट लिटरेचर अवेलेबल मैं इनकी कॉज को इस तरह से समराइज कर सकता हूं। पहला है एच पायलोरिक, जिसकी वजह से आपने देखा कि इन्फेक्शन हो रहे थे और वो कई सारे बायोकेमिकल पाथवे अमोनिया के सिंथेसिस को कर रहे थे। इनकी खोज की वजह से इन दो साइंटिस्ट को 2005 में नोबेल का प्राइज भी मिला था, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है। पहले इनके बारे में ये माना नहीं जाता था, उन्होंने प्रूव करने के लिए खुद इसको इंजेस्ट कर लिया और ये प्रूव कर दिया कि ये अल्सर के कॉजेस हैं। अदरवाइज पहले यह माना जाता था कि आपके स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाने पीने और अल्कोहल के क्रोनिक यूज की वजह से यह प्रॉब्लम होती है, बट बाद में इनको प्रूव कर दिया गया कि इनके पीछे एच पायलोरी की भी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा जो कॉज है वह है हमारा एस्प्रिन या उसी के कैटेगरी को बिलोंग करने वाले दूसरे NSAID ड्रग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और डिटेल से हमारे NSAID के टॉपिक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला जो है वह है स्ट्रेस, आज की जनरेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो कि आपको एसिडिटी कॉज कर सकता है। आप कई बार ऐसा देखेंगे हम ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता, तो खट्टी डकार रहे हैं, एसिडिटी, गैस का फॉर्मेशन, डिस्कम्फर्ट होने शुरू हो जाती है, ये सब आपके GIT के ही डिसऑर्डर्स हैं और कुछ आगे जाके जब डायरिया पड़ेंगे तो वो उनके डिजीज रेस्पेक्टिवली कहलाने लगेंगे। अब मैं बात करता हूं आखिरी में उनके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब ये कॉज तो नहीं है लेकिन अगर ये उस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रिस्क फैक्टर का काम करेंगे, ये उस फैक्टर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे रिस्क फैक्टर। इनमें है क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल, दूसरा है आपका डाइट में कई चीजें आ जाएंगी, आप कितना स्पाइसी यूज करते हैं, कितने मसाले को यूज कर रहे हैं, कितना अमाउंट में डाइट यूज कर रहे हैं, या खाना स्किप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। खाली पेट रहना भी प्रॉब्लमेटिक कारण हो सकता है। उसके बाद है एम्प्टी स्टमक, जिसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वहां पे अब एसिड को यूज करने वाले एजेंट वहां पे नहीं रहेंगे तो ये एसिड का जो अटैक होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा आपके स्मूथ मसल्स पे। उसके बाद बात करता हूं आखिरी में एक सीधा सा एक्सप्लेनेशन, ये है हमारा GIT। इसमें जब कभी भी हम फूड लेंगे तो फूड को डाइजेस्ट करेंगे तो अगर एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ये जो आप ग्रीन ब्लू कलर में देख रहे हैं वो आपके प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो कि ग्लव्स जैसा आपको मिमिक करते हुए दिखाया था मैंने, तो इनके प्रॉपर ना काम करने की वजह से यहां पे जो अल्सर आप देख रहे हैं वो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएंगे स्टमक पे, और आपके स्मॉल के पहला पार्ट जो होगा वो आपका ड्यूडिनम, इस पे अगर कॉज करेंगे इरोजन या सोर
तो वो रेस्पेक्टिवली ड्यूओडेनम अल्सर कहलाएंगे। सो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना काफी है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, जीआईटी के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, अगले पार्ट में हम इनको ठीक करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे ये पार्ट आगे बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जैसे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो उसके काफी सारे पार्ट बनने की संभावना होती है, तो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो पेशेंसफुली पूरे पार्ट को देखिए, अदरवाइज जब चाहे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हमारे पास और भी हैं जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। केवल केवल एग्जाम में पास होना या एग्जाम में पास कराना ये सॉल्यूशन फार्मेसी का ऑब्जेक्ट ना कभी था ना कभी है और ना फ्यूचर में कभी रहेगा। हम एक टाइम में वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर सकें। हम एक बार शॉर्ट टर्म में जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आपके एग्जाम आ रहे हो तो आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम आपको आगे के लिए आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम की कोई खास वैल्यू है नहीं। सो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, रट्टा मारना भूलिए, आप इन चीजों को याद रखेंगे हमेशा आपको काम आएगा। इन्हीं एक रिक्वेस्ट कम इंस्ट्रक्शन के साथ आज के लिए इतना ही। आज के रेफरेंस के बारे में बात करूं तो आज के रेफरेंस के लिए मैंने कई बुक को यूज किया है, इनमें के डी त्रिपाठी है, पद्मजा उदय कुमार है, पी जगदीश प्रसाद है, सतोषकर है और लिटरेचर सर्वे भी है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मे हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।